हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब के दो भाई थे, शम्मी कपूर और छोटे शशि कपूर। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन नहीं बल्कि कुल पांच भाई थे। पापा पृथ्वीराज कपूर के यहाँ तीन बेटे और एक बेटी नहीं बल्कि पांच बेटे और एक बेटी हुई थी। बहुत कम लोगों को पता है उनकी उन दो संतानों के बारे में जिनका जिक्र बहुत कम जगह पर मिलता है। पृथ्वीराज जी कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर के बाद उनकी दो और संतानें हुई थी। दोनों ही लड़के थे, पुत्र थे, और इनका नाम रखा गया देवेंद्र और रविंद्र। जब ये दोनों बच्चे जिंदा थे तब शम्मी, शशि और बेटी उर्मी का जन्म नहीं हुआ था। जब राज कपूर छोटे ही थे तब एक दिन पृथ्वीराज जी घर से कहीं बाहर काम पर गए हुए थे और देवेंद्र घर के पास ही एक गार्डन में खेल रहा था। ये बच्चा बालक देवेंद्र खेलते खेलते पता नहीं उसने गार्डन में ऐसा क्या खा लिया कि घर आते ही बीमार हो गया। हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बताया गया कि शायद उसने कोई जहरीली चीज खा ली है। जब तक ये बात सब समझ पाते और डॉक्टर तक उसे ले जाते तब तक देवेंद्र ने वहीं घर में दम तोड़ दिया। इस घटना को हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि राज कपूर के दूसरे भाई रविंद्र को अचानक निमोनिया हो गया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि रविंद्र की मौत भी देवेंद्र की मौत के एक हफ्ते के बाद ही हो गई। परिवार में दो मौतें जैसे गाज गिर पड़ी हो, पूरा परिवार हिल गया। इस दुख की घड़ी में समझ में नहीं आया परमात्मा ने, ईश्वर ने किस चीज का दंड दिया है। राज कपूर बहुत छोटे थे मगर वो भी बहुत डर गए थे अपने दोनों भाई के जाने से। स्वर्गीय राज कपूर ने अपनी बायोग्राफी में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि देवेंद्र और रविंद्र के जाते ही वो अकेले पड़ गए थे और ये अकेलापन उन्हें तब तक महसूस होता रहा, तब तक काटता रहा, चुभता रहा जब तक शम्मी कपूर पैदा नहीं हुए। शम्मी के जन्म के बाद शम्मी ने उनके दोनों भाइयों की कमी को पूरा कर दिया और शायद यही कारण था कि राज कपूर शम्मी के बहुत करीब थे, शम्मी को बहुत प्यार करते थे। एक फिल्म को बनाया गया 70mm में। यह फिल्म हिंदुस्तान की कल्ट फिल्म मानी जाती है मगर इस फिल्म के प्रीमियर वाले दिन 70mm के प्रिंट अटक गए बंबई एयरपोर्ट पर, कस्टम डिपार्टमेंट ने अटका दिया। थिएटर में प्रिंट्स का इंतजार कर रहे थे लोग और कस्टम वालों ने देने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ उस प्रीमियर का बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।